अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ सलीम खान और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल बहाल होंगे। आप सबका दिन बेहतरीन गुजर रहा होगा। आज मैं जा रहा हूँ शामबर की तरफ और आपको लेके चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या मिलता है, क्योंकि अभी तक मुझे खुद आइडिया नहीं है कि मैं वहाँ पे कहाँ जाऊँगा, कौन से रेस्टोरेंट में जाऊँगा, कौन सी जगह जाऊँगा, मुझे खुद आइडिया नहीं है। और वहाँ जाने के बाद फिर मैं आपसे आपको बताऊंगा कि हम किस जगह जा रहे हैं। वहाँ जाके थोड़ा सर्च करूंगा, किसी और काम से जा रहा हूँ शाम तक, तो वो काम होने के बाद में किसी जगह जाके खाना ट्राई करूंगा या किसी जगह रेस्टोरेंट एक्सप्लोर करूंगा या कोई कैफ़े होगी, मुझे खुद नहीं पता। आप बने रहिए मेरे साथ और चलते हैं, चल के देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, तो मैं आ गया हूँ शामबर्ग पे। मैंने काम अपना ख़त्म कर लिया, गूगल पे सर्च किया, भूख लग रही थी, कुछ स्नैक्स खाने थे, तो ये मिला है चाय बिस्किट कैफ़े। तो अंदर चलते हैं और अंदर चल के ट्राई करते हैं कि इसके पास क्या मिल रहा है, कैसा मिल रहा है। नाम से तो पक्का देसी लग रहा है जगह, अभी तक अंदर गया नहीं हूँ। आइए अंदर चलते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। ये देखिए आप, नई खुली हुई जगह लग रही है, सारा चाय बिस्किट कैफे। क्या मिलता है इनके पास, अंदर चल के देखते हैं। तो हम अंदर आ गए, ये है चाय मूड कॉफ़ी शॉप है। ये ईरानी होटल कहें आप, चाय कहें, अमेरिका की में इसी तरह की आजकल ट्रेंड चला हुआ है। बेहतरीन सेटअप तो बड़ा अच्छा लगा मुझे, कलर कॉम्बिनेशन। और यहाँ कुछ गेम्स भी रखे हुए हैं खेलने के लिए। अंदर चलते हैं, पहले पेस्ट्रीज में देखते हैं क्या है इनके पास। ओके, ये तो आ गया बेकरी आइटम, ये है इनकी पेस्ट्रीज, ये स्नैक्स आ गए, चॉकलेट्स आ गए, केक्स आ गए, उस्मानिया बिस्किट भी हैं, रोट भी हैं, केटल भी है, बबल टीज भी हैं, इनका मेन्यू है, स्नैक्स हैं, फ्रूट टी है, कॉफ़ी है, क्रीमी फोम है, फ्रूट स्लश है, चाय टी है। अच्छा, कॉफ़ी नहीं है इनके पास, चाय सिर्फ चाय मिलती है। ओह, कॉफ़ी है, सॉरी कॉफ़ी है। चलिए ऑर्डर दे दिया मैंने, सारा हैदराबादी आइटम है, चाय बिस्किट, बन मस्का और एग पफ, सारी चीज़ें जो हैदराबाद में खाते थे। यहाँ ट्राई करके देखते हैं। आधा ईरानी चाय नहीं है इनके पास, मगर देसी चाय के नाम से मिल रही है। ट्राई करते हैं और देखते हैं कैसा है, आपको ही बताते हैं। 6-7 महीने पहले कुछ खुला है बता रहे हैं, है पिछले 2 साल से, लेकिन अभी 6-7 महीने पहले कोई नए ओनर आए, कोई हैदराबादी ओनर हैं। शाम में पता नहीं कितना बिजी होता है, लेकिन इस वक्त तो दोपहर का वक्त है, 12-1 बज रहे हैं, तो ज़्यादा कोई पब्लिक है नहीं यहाँ पे। आइए देखते हैं।
हमारा ऑर्डर आने में 5 मिनट है अभी, फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। चलिए हमारा खाना आ गया, दिखाता हूँ आपको, एक मिनट। ये देखिए, ये है देसी चाय, मेरे लाने में गिर गई, ट्रे हिल रही थी। ये है एग पफ, उस्मानिया बिस्किट, बन मस्का। तो आज ट्राई करते हैं देसी स्नैक्स और बताता हूँ आपको कि हैदराबाद की याद आई या नहीं आई। सबसे पहले लेते हैं एग पफ, गरम गरम है, देखिए आप, ये है एग पफ, आप निकल रही है, गरम गरम एग पफ है। वाह, 2 मिनट रुकना चाहिए शायद, खासा गरम है। बड़ा मज़े का है, एक मशवरा, जो भी एक पफ बनाते हैं उसमें हल्की सी आप तली हुई प्याज ऐड करें, उसका मज़ा दुबाला हो जाता है। ट्राई करके कभी देखिए, अंडे के नीचे हल्की सी तली हुई प्याज, जैसे खागीने में या दो प्याजे में होती है प्याज, हल्की तली हुई, उस तरह की कच्ची पक्की प्याज डालिए, बहुत मज़े का एग पफ होता है। ये भी अच्छा है, फ्रेश है, मगर एक मशवरा मेरा, जहाँ जहाँ एग पफ बनते हैं वहाँ पे वो प्याज नीचे बिछा के देखें अंडे के, मज़े का हो जाता है। गरम गरम है, भाप निकल रही है। मैं इससे पहले कई लोगों ने कहा कि मैं प्राइस नहीं बताता हूँ, तो मैं प्राइसेस अवॉइड करता हूँ, जो मैंने दे दिए। कई जगह ऐसा भी होता है कि ओनर ख़ुद नहीं लेते या वो मना कर देते हैं, और अब से मैं बताऊँगा प्राइसेस। ये सारी चीज़ें $15 की आई हैं, $15 कुछ चेंज की, नॉट बैड। एक चाय है, एक बन मस्का है, एक एग पफ है, 4 बिस्किट हैं, उस हिसाब से $15 बुरे नहीं हैं। आजकल जो चाय की दुकानों पे $10-$10 की एक चाय और एक एक एग पफ $6-$7 का बिक रहा है, उसके मुकाबले ये जगह काफ़ी बेहतर लगी मुझे। $15 में ढंग की चीज़ें हैं, पेट भरने वाली चीज़ें हैं। बन मस्का पे चलते हैं, असल मज़ा हैदराबाद का वहाँ आने वाला है। हैबिट्स की बॉम्बे बेकरी, ओलंपिया लजीज, ग्रैंड होटल, ये सब जगह की याद आ गई एक पफ खा के। अभी मेरे पास उस्मानिया बिस्किट भी रुके हुए हैं। अब आ जाते हैं चाय पे। अब ये बताइए, पहले उस्मानिया बिस्किट खाऊं या बन मस्का, पहले क्या चीज़ लूं? ये आ गई हमारी चाय, ये आ गया उस्मानिया बिस्किट, ये डुबाया उस्मानिया बिस्किट हमने, और ये चाय अच्छी है। हल्की, हल्का सा इलायची का मज़ा है, नॉर्मल चाय है, कोई ज़्यादा नखरे तमाशे नहीं है, रेगुलर जो अपनी देसी चाय होती है, वाकई बिल्कुल सही नाम रखा है, देसी चाय ऐसी होनी चाहिए चाय, हल्की। और ख़ास तौर से मुझे तो वो जो आजकल यहाँ पे बिक रही है एवेपोरेटेड मिल्क की चाय, वो बड़ी जहर लगती है। ओ तेरी, हमारा बिस्किट ही गुर गिर गया। हम खा रहे थे पार्ले जी बिस्किट, आप लोगों से बात करते करते पार्ले जी बिस्किट अंदर गिर गया, इसको जल्दी से मुंह में रखते हैं। आहा, मज़ेदार, दिल खुश हो गया, रूह खुश हो गई, काफ़ी टाइम बाद उस्मानिया बिस्किट और चाय खा के। काफ़ी जगह मिल रहा है आजकल, कॉमन है। ये आ गया बन मस्का, ये
मस्का लगा हुआ है खूब सारा और हम इसको डुबा के खाएंगे। मक्खी आ रही है, ये डुबाया चाय के अंदर। चलिए साहब, मज़ा आ गया, सुकून मिल गया, अच्छा किया मैं यहाँ आया। अगली बार फैमिली को भी लाऊंगा, दोस्तों के साथ भी आऊंगा, बड़ा अच्छा लगा। फिलहाल वीकडे है, वेंसडे है, दोपहर के 12 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, तो पब्लिक नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ शायद फ्राइडे सैटरडे संडे बिजी होता होगा, खूब चहल पहल होती होगी, लेकिन जगह अच्छी है। चाय कहीं ईरानी चाय बेच रहे हैं, उनको पता नहीं है कि ईरानी चाय होती कैसी है, मगर ईरानी चाय बेच रहे हैं, बेच लो भाई, अमेरिका में सब चलता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी करते हैं। चलिए भाई, हमारा स्नैक्स हो गया, बहुत अच्छा था वाकई। यहाँ आना है, चाय का मूड हो तो ज़रूर आके यहाँ पे चाय और ये स्नैक्स ट्राई करिए, बड़ी अच्छी जगह है। ये गोल्फ रोड पे लोकेटेड है और कभी आऊँगा मैं भी फैमिली के साथ, क्योंकि बड़े ज़माने बाद हल्की चाय बन मस्का, बहुत सुकून लगा, बड़ा इत्मीनान लगा, और प्राइसेस भी अच्छे ही हैं, ज़्यादा महंगे नहीं हैं। आज के लिए यहीं, आज के लिए इतना काफ़ी है, यहीं पे ये व्लॉग ख़त्म करते हैं। जाते हुए आपको थोड़ा बहुत रास्ता दिखाता हूँ, जैसे आते हुए दिखाया था। तो आप लोग भाई को अपने दुआओं में याद रखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। बड़ा शुक्रगुजार हूँ, काफ़ी सारे सब्सक्राइबर बढ़ गए मेरे, वॉच आवर्स भी बढ़ रहे हैं, आप लोगों के अप्रिसिएशन का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, अल्लाह हाफिज़।